हेलो दोस्तों, गुजरात टाइटंस आईपीएल का फाइनल मुकाबला जीत चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस टीम इस साल चैंपियन बन चुकी है। गुजरात टाइटंस की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और अपनी शानदार गेंदबाजी के चलते राजस्थान रॉयल्स को 130 रनों में 9 विकेट के नुकसान पर ही रोक दिया था। 130 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम जब पवेलियन पे उतरी तो उसकी शुरुआत तो ठीक ठाक रही, लेकिन गुजरात टाइटंस के ओपनर बल्लेबाज सुमन गिल ने लास्ट तक अच्छे से पारी को संभाला और 43 गेंदों में 45 रन नाबाद बनाए, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 1 गगनचुम्बी छक्का जड़ा। और हार्दिक पांड्या ने भी कप्तानी पारी खेली। जब जल्दी से 2 विकेट गिर गए थे तो हार्दिक पांड्या आके टीम को संभालते हुए नजर आए और उन्होंने 30 गेंदों में 34 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 1 छक्के भी जड़े। जी हाँ दोस्तों, गुजरात टाइटंस की तरफ से सबसे तेज पारी जो है वो आई है किलर द मिलर डेविड मिलर के बल्ले से। उन्होंने काफ़ी तेज पूर्वक रन बनाते हुए 19 गेंदों में 32 रन ठोंक दिए, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 1 छक्के भी जड़े। और गुजरात टाइटंस की टीम 18वें ओवर में ही 130 रन के लक्ष्य को पा लिया और 133 रन 3 विकेट के नुकसान पे इस मुकाबले को जीत हासिल कर ली। और फाइनली आईपीएल में पहली बार खेल रही टीम ने पहले ही बार में यह मुकाबला जीत लिया। और आपको जैसे पता ही होगा दोस्तों कि हार्दिक पांड्या इस बार पहली बार ही आईपीएल में कप्तानी कर रहे थे और उन्होंने पहली बार ही कप्तानी करते हुए अपने टीम को चैंपियन बनाया है। और आपको तो पता ही होगा दोस्तों, हार्दिक पांड्या का पूरे सीजन में प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा और फाइनल मैच में तो और भी ज़्यादा हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन शानदार रहा, क्योंकि उन्होंने महज 3 लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाए अपनी बॉलिंग से और अपने बल्लेबाजी में बिल्कुल कप्तानी पारी खेली और 30 गेंदों में 34 रन महत्वपूर्ण रन बनाए, जब टीम को थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि टीम लड़खड़ा रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम को हराकर गुजरात टाइटंस की टीम ने आईपीएल का खिताब जीत लिया है। और दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को बहुत बड़े वाले फ़ैन हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या हार्दिक पांड्या की टीम के जीतने को लेके खुश हैं या नहीं।